आज जो मेरे पास प्लाट है उसका साइज है 60 फीट बाई 45 फीट। इसमें हमारे पास जो है वो फ्लैट तैयार किए हमने 60 फीट बाई 45 फीट में। नीचे तीन फ्लैट हैं और इसके ऊपर भी तीन फ्लैट हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको तीन फ्लैट मिलेंगे और इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको तीन फ्लैट मिलेंगे। तो एक फ्लैट जो है वो है 20 फीट बाई 45 फीट का एक फ्लैट है। तो ये तकरीबन 900 स्क्वायर फीट बनेगा और ये 90 गज का एक प्लॉट है। तो इस एक प्लॉट के अंदर, एक फ्लैट के अंदर हमारे पास एक, दो और तीन बेडरूम है, एक मेरे पास किचन है और अटैच बाथरूम है इनके साथ। और इसके लिए मेरे पास बाइक खड़ी करने के लिए मेरे पास इसका पोर्च भी मौजूद है, तो टीवी लॉन भी इसके साथ आपको मिलेगा। तो इसकी डिटेल समझने के लिए मैं चला जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। तो ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले मेरे पास एक, मैं सिंगल फ्लोर की मैं बात करता हूँ, तो मैं एक रेक्टेंगल इधर लगा लेता हूँ जो मेरे पास एक फ्लोर का बनेगा। वो मैं इधर ये मैंने रेक्टेंगल लगा ली और इसका मैं कलर जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि ये मैंने एक रेक्टेंगल लगाई है और इसका कलर जो है वो मैंने चेंज करके मैंने ब्लू कर दिया है ताकि आपको ये प्लाट जो है वो समझने में आसानी हो जाए। ये मेरे पास एक सिंगल फ्लैट का एरिया बन रहा है 20 फीट बाई 45 फीट, ठीक हो गया। और इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ मिलेगी एक फ्लैट के अंदर, वो है सबसे पहले आपने इधर से मेन से आपने अंदर आना है। तो मेरे पास एक आपको दरवाज़ा मिलेगा 4 फीट का जिसमें आपका कारपोर्ट सामने आ गया। और इधर से आपने दूसरे फ्लैट के ऊपर जाने के लिए आपको एक स्टेयर मिल जाएगी जो कि आधी स्टेयर जो है वो आपके इस फ्लैट के अंदर आएगी और आधी स्टेयर आपके दूसरे फ्लैट के अंदर आएगी, ठीक हो गया। तो मेरे पास जो पोर्च है, पोर्च का साइज है 8 फीट 11 इंच। ये आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको 8 फीट 11 इंच मिलेगी और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास जो लेंथ बन रही है वो है 11 फीट 9 इंच, ठीक हो गया। मतलब 8 फीट 11 इंच बाई 11 फीट 9 इंच का मेरे पास पोर्च है। और ये आपने इस तरफ जाना है तो आपके पास एक ड्राइंग रूम, या अगर आपने इसको शॉप के तौर पे भी अगर इस्तेमाल करना है तो आप इसको शॉप भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। और इसका साइज है 10 फीट बाई 11 फीट 10 इंच। और इसके लिए विंडो लगानी है, विंडो लगा दें। शटर लगाना है तो आप इधर इसका शटर भी लगा सकते हैं। आप अंदर एंटर हुए तो मेरे पास एक डोर इधर आएगा टीवी लॉन पे एंटर होने के लिए 3 फीट 6 इंच का। तो मेरे पास टीवी लॉन का साइज इधर आपको मिलेगा 8 फीट 11 इंच बाई 18 फीट, ठीक ठाक साइज इसका बन जाता है। तो इसका बाथरूम है, बाथरूम का साइज है मेरे पास 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट का। और बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग जो है वो 2 फीट 6 इंच की ये मैंने दी है। पहले बेडरूम की बात करें तो मेरे पास पहला बेडरूम और इसका जो डोर का साइज है वो 3 फीट 6 इंच है। और बेडरूम का जो साइज है 10 फीट बाई 12 फीट 7 इंच है। और दूसरे बेडरूम की बात करें तो दूसरे बेडरूम का साइज मेरे पास 10 फीट बाई 13 फीट का है। और इस बाथरूम के साथ आपको अटैच बाथ मिल जाएगा जिसका साइज है 5 फीट बाई 5 फीट। और एक मेरे पास इसका किचन है, किचन का साइज जो है वो है मेरे पास 8 फीट 11 इंच बाई 7 फीट 8 इंच। 8 फीट 11 इंच मेरे पास है एक्स एक्सिस में, जैसा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 8 फीट 11 इंच है और वाई एक्सिस में मेरे पास 7 फीट 8 इंच है। बाथ की वेंटिलेशन और किचन की वेंटिलेशन मेरे पास एक बैक साइड पे ओपन आएगी। ओपन मैंने इस फ्लैट की और इस फ्लैट की मैंने ओपनिंग जो है वो मैंने इकट्ठी कर दी है जिसका साइज मेरे पास बन रहा है 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट का। अब चलते हैं इसके डोर्स की तरफ। तो इसके डोर का जो साइज आपको इधर मिलेगा वो डोर का साइज, बाथरूम के डोर का साइज 2 फीट 6 इंच का मिलेगा। और इसकी विंडो का जो साइज है वो आपको 1 फीट 6 इंच मिलेगा और किचन की विंडो का साइज आपको 2 फीट 10 इंच मिलेगा।
इधर किचन के डोर का साइज आपको 3 फीट मिलेगा और बेडरूम के डोर का साइज 3 फीट 6 इंच मिलेगा, और इस बेडरूम का साइज मैं आपको बता चुका हूँ 3 फीट 6 इंच। ये था मेरे पास एक 20 फीट बाई 45 फीट का। अगर आपने हाउस प्लान भी तैयार करना है तो वो भी हो सकता है, अगर आपने फ्लैट तैयार करना है सिंगल फ्लैट, ये बन गया। अब इसके बाद इसके दूसरे फ्लैट की बात करें तो जैसे ही आपने इस फ्लैट से जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं इस साइड पे, तो आपका नीचे एक पोर्च बनेगा जिसका साइज सेम टू सेम वही होगा जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, 8 फीट 11 इंच बाई 11 फीट 10 इंच। और इसका ड्राइंग रूम प्लस शॉप भी आप इसको कर सकते हैं, तो इसका साइज मेरे पास 10 फीट बाई 11 फीट 10 इंच जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरह सेम टू सेम सब चीज़ें वही है जो आपके साथ मैंने पहले जो मैंने इसके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा फ्लैट इसका। ये सारा ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ओपन का जो साइज़ है वो क्या हमने रखना है, ठीक हो गया। तो 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट की साइड पर हमारे पास ओपनिंग आ जाएगी। अब 60 फीट बाई 45 फीट मेरे पास प्लान है, प्लॉट है, तो इसमें हमारे पास तीसरा जो आपका फ्लैट आएगा वो तीसरे फ्लैट के अंदर हमने स्टेयर जो है वो हमने ख़त्म कर दी है, क्योंकि स्टेयर हमें सिर्फ एक ही चाहिए ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाने के लिए। तो इसमें मेरे पास स्टेयर ख़त्म हो जाएगी और आपको इधर सिर्फ कारपोर्ट्स मिल जाएगा, इसमें आप छोटी गाड़ी जो है वो भी आप खड़ी कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये ड्राइंग रूम प्लस शॉप वही साइज सेम टू सेम, तकरीबन ये सारा जितना भी है इसका साइज सेम ही है, बस इसमें आपका जो ओपनिंग है ओपनिंग इसकी छोटी हो गई है, क्योंकि इसके साथ इधर बेडरूम है। अगर बेडरूम के लिए भी वेंटिलेशन इसकी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब इसका साइज ओपनिंग का 5 फीट बाई 3 फीट 7 इंच बाकी बचेगा, बाकी सेम साइज वही है जो मैंने आपको पहले फ्लैट के ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मज़े की बात यह है कि जो समझने वाली जो बात है वो ये है कि जब आपने ये फ्लैट ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो आपको ये बाहर शेड 3 फीट का शेड मिलेगा। ये आपने इस साइड पे जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको बाहर की तरफ 3 फीट का शेड मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब इधर आप पौधे वगैरह रखना चाहें तो आप पौधे भी रख सकते हैं, ठीक है, और ज़रूरत के बहुत सारी चीज़ें इधर आपकी काम आ सकती हैं। तो जैसे ही आपने मैं आपको इधर फिर दोबारा वापस लेकर आता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि आपको स्टेयर की आसानी से समझ आ जाए। जैसे ही आपने इस साइड से आप ऊपर की तरफ गए इस साइड पे, और जैसे ही आप इधर से आप ऊपर पहुंचेंगे तो नीचे जाने के लिए मैंने दोबारा स्टेयर का एरो जो है वो मैंने नीचे की तरफ दे दिया, ठीक है। आपने जब ये ऊपर की तरफ इधर पहुंचाना है तो आपको एक बड़ा सा पैसेज मिलेगा जिसका साइज मैंने दिया हुआ है 5 फीट का। ये पैसेज 5 फीट का, शेड आपका बाहर है वो अलग बात बाद में करेंगे, लेकिन आपने ये जो आपने शेड से पहले जो पैसेज छोड़ा हुआ है उसका आपको क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो ऊपर वाली जो फैमिलीज जो आपने जिनको आपने रेंट पे दिया हुआ है वो आपकी महफूज हैं, मतलब कि आपने सिर्फ और सिर्फ शेड सिर्फ इसलिए निकाला है कि ताकि बारिश के पानी से आपका नीचे वाला फ्लोर बचा जा सके। तो अगर आपका कोई रेंटल जो भी है वो अगर इस साइड से बाहर आना चाहता है, 4 फीट का मैंने डोर दिया हुआ है, वो इस शेड के ऊपर आ सकता है, लेकिन ये शेड जो है ये सारे रेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग करना है तो आप इधर से इसको बंद कर दें और इस पॉइंट को इधर से बंद कर दें, और इनके शेड भी अलग अलग हम बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बात समझने वाली ये थी कि आपकी इधर ये लॉबी बन जाएगा, इसका दरवाज़ा ये आ जाएगा, और इसका दरवाज़ा इस फ्लैट का दरवाज़ा इस तरफ आ जाएगा, और इस फ्लैट का दरवाज़ा जो है वो मेरे पास इस साइड पे आ जाएगा। बाकी इसके विंडोज़ के जो साइज़ हैं वो मैंने साथ लिख दिए हैं। अगर आपको इस तरह की PDF की फ़ाइल, इसकी प्लान की मुकम्मल PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 03076142195 व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे रابطہ कर लें, मैं आपको इसकी फ़ाइल मुकम्मल फ़ाइल में आपको मैं सेंड कर दूंगा। उसके चार्जेस होंगे और इसका फंड एक्टिवेशन भी आपको मिल जाएगा।